नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हरपल और मैं आपके साथ रवीना आरजू। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय ने आज सावन के तीसरे सोमवार पर मंदिर गए, साथ ही साथ उन्होंने भोरमदेव बाबा की पूजा और जलाभिषेक किया और पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली का उनसे कामना किए हैं। हाँ, आज हेलीकॉप्टर से हमारे डिप्टी सीएम के साथ में कांवरियों के ऊपर में फूल वर्षा की और पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली का उनसे कामना किए हैं। हाँ, आज हेलीकॉप्टर से हमारे डिप्टी सीएम के साथ में कांवरियों के ऊपर में फूल वर्षा की। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने वाक बोर्ड से बताया सरकार केवल ध्यान भटकाने का काम कर रही है, सरकार को गंभीर मुद्दों पर बात करनी चाहिए। वाक बोर्ड पर उन्होंने अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। देखिए, ये सारी जो बातें आ रही हैं वो सोर्सेज बेस्ड आधार पे आ रही हैं, कोई भी कैबिनेट मंत्री ने इसका पुष्टिकरण नहीं किया है। तो जब तक ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, जब तक वो पार्लियामेंट के पटल पे नहीं रखा जाता, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एज अ स्पोक्स पर्सन, मैं मानती हूं कि इस पर प्रतिक्रिया देना सही नहीं होगा। और सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आदत डीरेल करने की है, जो देश के सामने जो गंभीर मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए। पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट में बजट का सत्र चल रहा है, बजट के ऊपर बहुत सारी टिप्पणियां आम आदमी भी कर रहा है, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए, अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है। तो जब तक ये पार्लियामेंट में नहीं आता है, मैं इस पर कोई किसी तरीके की टिप्पणी नहीं दूंगी। देखिए, ये सारी जो बातें आ रही हैं वो सोर्सेज बेस्ड आधार पर आ रही हैं, कोई भी कैबिनेट मंत्री ने इसका पुष्टिकरण नहीं किया है। तो जब तक ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स ला रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के 5 साल पूरे हुए, वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के 5 साल पूरे होने पर कहा, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है। देखिए, जम्मू कश्मीर में एक नई क्रांति मुझे लगता है आई है। आज से 5 वर्ष पूर्व यहां जिस प्रकार से पत्थरबाजी थी, रोजमर्रा के बंद हुआ करते थे, हुर्रियत जमात जैसे जो संगठन थे पाकिस्तान के झंडे चढ़ाते थे, कोई कैलेंडर जारी करता था, कोई मस्जिदों से ऐलान करता था, देश विरोधी नारे लगते थे, आज वो चीजें कम से कम ठीक हुई है। इस चीज को समझना होगा। जहां तक डेवलपमेंट की बात है, जम्मू कश्मीर में यहां पर अब देखिए मेडिकल कॉलेजेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एम्स, रिंग रोड्स, एक्सप्रेस हाईवेज, रेलवे का यहां पहुंचना और टूरिज्म का बढ़ना, ये जिस प्रकार से हो रहा है, इंडस्ट्री का जो पैकेज दिया जाना, उसके बाद लोगों की यहां पर इन्वेस्टमेंट करनी, एक नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, जिस प्रकार सड़कों के मामले में क्रांति आई है और इसके साथ ही लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि मिलिटेंसी के कारण से लोग यहां पर ना तो कोई आना चाहता था, ना यहां कोई जमीन खरीदना चाहता था। एक जो लोगों में एक बेरोजगारी की सोच थी वो आज खत्म हुई है। कारपोरेटर सेक्टर आने से, इंडस्ट्री आने से नौजवानों के लिए बड़े अवसर पैदा होंगे, टूरिज्म में बड़े अवसर पैदा होंगे। और जो इस बार का बजट है 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा, वो अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां नासिक में भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण आम लोगों को जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई, वहीं बारिश के चलते यहां का गंगापुर डैम ओवरफ्लो हो गया है। इसके चलते डैम से हजारों क्यूशेक पानी छोड़ा गया है, जिससे गोदावरी नदी किनारे गोदा घाट पर बने कई छोटे बड़े मंदिर पानी में डूब गए हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां आज ही के दिन 5 साल पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाई गई थी। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में कई अहम बदलाव हुए हैं। अनुच्छेद 370 हटने के 5 साल पूरा होने पर बीजेपी नेताओं के कई तरह से बयान सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। धारा 370 ने 70 साल जम्मू कश्मीर की जनता के साथ बहुत नाइंसाफियां और इनजस्टिस किया। 5 अगस्त 2019 को आज ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने देश के संसद में धारा 370 को समाप्त कर दिया था। धारा 370 के समापन के बाद जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति को, हर वर्ग को, हर क्षेत्र को उसका हक मिला है। जम्मू कश्मीर एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस संकल्प को परिपूर्ण करता है। जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जो धोखा कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने किया था, और अलग से जम्मू कश्मीर में धारा 370 को जोड़कर अलग व्यवस्थाएं जम्मू कश्मीर में खड़ी की थी, जिन व्यवस्थाओं से जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को जन्म दिया गया, इस धारा को समाप्त करके केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने राष्ट्र हित में बहुत बड़ा निर्णय लिया था और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूर्ण किया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के संकल्प को पूरा किया और देश के अंदर एक निशान, एक प्रधान और एक विधान को मोदी सरकार ने स्थापित किया। ये बहुत बड़ा निर्णय केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार का राष्ट्रहित में लिया गया ये निर्णय था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के सभी वर्गों को देश के संविधान द्वारा दिए गए लाभ यहां प्राप्त हो रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय ने भी अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के 5 साल पूरे होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मतलब हम लोगों के एजेंडा में था और इसी के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान भी हो गए, लेकिन उनके सपनों को पूरा करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जब वो प्रधानमंत्री बने तो धारा 370 कश्मीर से हटा। अब वहां कोई भी देश का व्यक्ति जमीन खरीद सकता है, मकान बना सकता है, बस सकता है। पहले ये सुविधा वहां पर नहीं थी। मतलब हम लोगों के एजेंडा में था और इसी के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान भी हो गए, लेकिन उनके सपनों को पूरा करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जब वो प्रधानमंत्री बने तो धारा 370 खबरों की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय ने कहा, आज सावन का तीसरा सोमवार है, भोले बाबा से प्रार्थना है कि छत्तीसगढ़ के लोगों पर उनका आशीर्वाद बना रहे। आज हम उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ कवर्धा जा रहे हैं, हम भगवान शिव की पूजा करेंगे और कवाड़ियों के दर्शन करेंगे। आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार है, सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को तृतीय सावन सोमवार की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, और भोले बाबा से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ वासियों पर लगातार मिलता रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो। और आज हम अपने उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी के साथ जा रहे हैं कवर्धा। भोरमदेव में भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे और कांवरियों का दर्शन करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की और, बता दें आपको कि हिंगलाज गांव इलाके में 2500 से ज्यादा लोग रहते हैं। वहीं सोमवार सुबह एनडीआरएफ ने हिंगलाज गांव में फंसे 7 लोगों को बचाया। एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर रमेश कुमार ने कहा, हमें जिला प्रशासन से सूचना मिली है कि लगातार बारिश और औरंगा नदी में आए उफान के कारण हिंगलाज गांव में 7 लोग फंसे हुए हैं।
सर, क्या मैसेज मिला था और क्या सिचुएशन थी और कितनी दिक्कतें आई और क्या किया? हमें जिला प्रशासन के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो हिंजागंज विलेज है वहाँ पर 7% यहाँ पर फंसे हुए हैं, क्योंकि आज कंटिन्यू बारिश भी हो रही है, साथ ही साथ हाई टाइड की वजह से जो औरंगा रिवर है उसका पानी है वो जो भी नियरेस्ट जो लो लाइन एरिया है उसमें आ गया था और इस वजह से यहाँ पर भी पानी एंटर कर गया और इस वजह से 7% थे, बताया जा रहा है कि ये मछली पकड़ने का काम करते हैं, इस वजह से वहाँ पे फंस चुके थे और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था बाहर निकलने का, क्योंकि वहाँ पर पानी का लेवल हो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। इसके बाद में हमने बोट के द्वारा इनको FWR ऑपरेशन की मदद से इनको बाहर निकाला है और जो हमें यहाँ पर पहुँचने में कुछ दिक्कतें आई उसमें एक तो हमारे पास बड़े व्हीकल हैं, इस वजह से यहाँ का जो रास्ता वो बिल्कुल नैरो रोड है और एक अनजान रास्ते के ऊपर चलना भी एक तो उसमें ज़्यादा हमें समय लग गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां BJD के उपाध्यक्ष देवी प्रसाद मिश्रा ने कहा स्थिति की समीक्षा करना एक नियमित प्रक्रिया है और पार्टी अध्यक्ष नवीन जी हर साल ऐसा करते हैं। हाल ही में हुए चुनावों में BJD सत्ता में नहीं आ सकी, लेकिन 51 सदस्यों के साथ यह एक मजबूत विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी है। रिव्यूइंग द सिचुएशन इज अ रूटीन वर्क एंड ऑनरेबल पार्टी प्रेसिडेंट बीजू जनता दल प्रेसिडेंट नवीन जी यूज टू डू इट इन ईच ईयर एंड आफ्टर द रिसेंट पोल वेयर बीजू जनता दल कुडंट कम टू पावर हाउएवर इट हैज कम आउट एज ए रोबस्ट अपोजिशन पार्टी हैविंग 51 मेंबर्स सो ऑल दिस थिंग्स एंड the party present scenario now and how to again rejuvenate it and re-engineer the party's work organizational setup that is he's taking and regularly people from different districts and functionaries used to meet him besides the MLAs, the MPs who have fought, who have won, who have lost, and meeting the party president. And under his instruction, in some cases, some districts, the party leaders in each district, they sat and deliberate over the issue, then apprised the honorable president. And they used to take his suggestion, instructions. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने भाजपा प्रमुख मायावती के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमेशा सम्मान करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा OBC SC का सम्मान करने से ज्यादा PM मोदी और उनकी सरकार ने दिया है। कोर्ट के फैसले का हमेशा हमने सम्मान किया है और भारतीय जनता पार्टी और हमारी केंद्र की सरकार ने हमेशा कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है और कोई भी एक अगर NDE गठबंधन के लोग हों या बसपा के लोग हों उसका अपोज करते हैं तो ये उनसे सवाल पूछा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। जहां तक OBC SC को सम्मान देने का सवाल है तो ये सबसे ज्यादा अगर सम्मान दिया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने दिया है। मैं चूंकि स्वयं OBC से आता हूं और OBC के लिए लंबे समय से संवैधानिक दर्जा आयोग को नहीं मिला था, वो OBC आयोग के लिए संवैधानिक दर्जा देने का काम भी किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और इतना ही नहीं, ये कांग्रेस की मैं बात में कहूं तो कांग्रेस या कांग्रेस के साथी हमेशा OBC के विरोध में रहे हैं। अगर मैं कहूं काका कालिकल की रिपोर्ट 1955 में आई थी और उसके बाद में उसे ठंडे बस्ते में डालने का काम किया, मंडल कमीशन ये 1980 में आया ठंडे बस्ते में डालने का काम किया और जब भाजपा के सहयोग से विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनती है तब उस सरकार में इस को सम्मान दिया गया, मंडल कमीशन के आयोग को लागू किया गया, 27% का आरक्षण मिला। तब मैं कह सकता हूं कि उस समय भी कांग्रेस के नेता हमारे राहुल गांधी जी के स्वर्गीय श्री पिताजी राजीव गांधी जी ने खुलकर के विरोध किया था और संसद में 2 घंटे से भी ज्यादा विरोध का भाषण दिया था।
और मैं कह सकता हूं ये कांग्रेस हो, इंडी गठबंधन के लोग हो, ये हमेशा ओबीसी के खिलाफ रहे हैं। ओबीसी के हितों की अगर रक्षा की है कहीं भी तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, और आज जब कोर्ट का फैसला आया है तो कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार समय पर जब समय आएगा तो निश्चित रूप से इसका भी सम्मान करने का हल निकालने का काम। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए लाइव इंडिया। हर पल नमस्कार।